स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों जैकबोर्ड के दोस्तों क्लास 12 के सभी विद्यार्थी के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग से हिस्ट्री यानी कि इतिहास का कल जो आपका वीकली टेस्ट होगा दोस्तों आपका 25 नवंबर को, ठीक है, उसका दोस्तों 100% ओरिजिनल क्वेश्चन को आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। और आज का ये दोस्तों आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख के जाते हैं तो दोस्तों आपका 40 में 40 नंबर वीकली टेस्ट में कल आपका 25 नवंबर को पक्का होने वाला, ठीक है। और आज जो देख रहा है कि 25 नवंबर को ही देख रहा है तो आप वीडियो को पूरा अंत तक देख के जाइए वीकली टेस्ट देने से पहले, ताकि आपका जो 40 में से 40 नंबर आपको मिल जाए। और ये दोस्तों 100% ओरिजिनल क्वेश्चन है, आपको जो वीडियो देख लीजिए और उसके बाद देख कर आइए वीकली टेस्ट, उसके बाद बताइएगा कि सारा प्रश्न आपका मैच हुआ कि नहीं, ठीक है। 40 में 40 आ जाएगा, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, जितना दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। और यदि दोस्तों आप चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्लास 12 हिस्ट्री का जो हम लोग 100% ओरिजिनल क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जिसमें दोस्तों आपका जो पहला प्रश्न रहने वाला, ठीक है। और ये जो पहला प्रश्न है ये आपका ऑब्जेक्टिव का प्रश्न है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव का, जो कि सेक्शन ए का प्रश्न है जो कि 20 नंबर का है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जो एमसीक्यू प्रश्न को सोल्व करेंगे, उसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव को भी सोल्व करेंगे। फिर से बोल रहा दोस्तों ये 100% ओरिजिनल क्वेश्चन है, आप वीडियो को पूरा अंत तक देख के जाइए, उसके बाद वीकली टेस्ट देख के आइए, उसके बाद वीडियो को लाइक कीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। और बताइए कि 40 में 40 आपका जो पक्का हुआ कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए तो पहला प्रश्न दोस्तों आपसे कल पूछा जाएगा वीकली टेस्ट में 25 नवंबर को कि हु वेयर द, ठीक है, पहाड़ीज, ठीक है, यानी कि पहाड़िया कौन थे। तो जो पहाड़िया था दोस्तों कौन था, शिकारी था, या फिर आपका शिफ्टिंग कल्टीवेटर था, या फिर चारकोल उत्पादक था, या फिर उपयुक्त सभी। तो देखिए जो आपका जो पहाड़ी था दोस्तों आपका शिफ्टिंग कल्टीवेटर था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए दो नंबर दोस्तों आपसे पूछा है हु वाज सिंधु मांझी, तो सिंधु मांझी कौन थे। फिर से बोल रहे हैं जितना प्रश्न बता रहा है देख कीजिए, 40 में 40 दोस्तों कोई नहीं छीन सकेगा, 100% ओरिजिनल है, ठीक है। सिंधु मांझी दोस्तों कौन था, तो सिंधु मांझी दोस्तों आपका जो संथाल विद्रोह के नेता थे, ठीक है, तो लीडर ऑफ ए संथाल रेबिलियन, ठीक है, तो संथाल विद्रोह के नेता थे कौन, सिंधु मांझी। तो दो का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए तीन नंबर दोस्तों पूछा गया है आप सभी से कि दामिन, ठीक है, दामिन एक कोह का गठन, यानी कि दामिन एक कोह वाज फॉर्म्ड फॉर, यानी कि दामिन एक कोह का गठन के लिए किया गया था, क्या किया गया था दोस्तों। ता दामिन एक कोह का गठन करने के लिए संथाल के लिए किया गया था, ठीक है, किसके लिए, संथाल के लिए। तो तीन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसी प्रकार से चार नंबर बोलता है कि हो इंट्रोड्यूस द, ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल, बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत किसने की, ठीक है। तो बंगाल में दोस्तों अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत किसने की, तो आपका कार्निवाल्स, ठीक है, लॉर्ड कार्निवाल्स। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लॉर्ड कार्निवाल्स ने किया था, चार का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए जहां दिक्कत होगा नीचे कमेंट करके जरूर से जरूर बताइएगा। पांच नंबर दोस्तों बोलता है कि तालुकदार का तात्पर्य है, तो तालुकदार का तात्पर्य क्या होता है, तो इसका मतलब दोस्तों जो आपका होता है राजा का अधिकारी, ठीक है, किंग ऑफिशियल, राजा का अधिकारी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर पांच का, ठीक है। चलिए छह नंबर दोस्तों पूछा है व्हेन वाज फिफ्थ रिपोर्ट इंट्रोड्यूस्ड इन द ब्रिटिश, ठीक है, पार्लियामेंट, पांचवी रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब पेश की गई। तो जब का पांचवा रिपोर्ट है दोस्तों ब्रिटिश संसद में कब पेश किया गया, तो 1813 ईस्वी में, ठीक है, 1813 ईस्वी में ये पेश किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा छ का राइट आंसर, ठीक है। चलिए जो ऑप्शन बता रहे उसी को टिक करके आइएगा, अदरवाइज को नहीं, ठीक है। सात नंबर दोस्तों पूछा है विच रेवेन्यू सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है, इंट्रोड्यूस्ड इन बॉम्बे डेक्कन, यानी कि बॉम्बे डेक्कन में कौन से राजस्व प्रणाली जो शुरू की गई थी, कौन से सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों जो सात का राइट आंसर है क्या हो जाएगा, रेतवारी, ठीक है, रेतवारी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए बॉम्बे डेक्कन में रेतवारी राजस्व प्रणाली किस प्रणाली को शुरू की गई थी। चलिए आठ नंबर दोस्तों बोलता है व्हेन वाज द परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस्ड इन बंगाल, बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त कब लागू किया गया था। तो बंगाल में दोस्तों अस्थाई बंदोबस्त दोस्तों 1793 ईस्वी में लागू किया गया था, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1793, ठीक है। चलिए नौ नंबर दोस्तों पूछा है व्हेन डिड द रेबेलियन ऑफ द संथाल स्टार्ट, यानी कि संथाल का विद्रोह कब आरंभ हुआ। तो संथाल का विद्रोह दोस्तों 1855 ईस्वी में आरंभ हुआ था, ठीक है,
ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 18 15 5 AD। ठीक है, चलिए 10 नंबर दोस्तों सेक्शन है ऑब्जेक्टिव का लास्ट प्रश्न है, इसी के साथ 20 नंबर आपका 25 नंबर को पक्का। कथा वेंडेड द डेक्कन, ठीक है, रेबेलियन डन, डक्कन विद्रोह कब हुआ, तो डक्कन विद्रोह दोस्तों आपका जो 1875 ईस्वी में हुआ था, 1875 AD में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी की ओर जो कि सब्जेक्टिव प्रश्न है। तो यहाँ पर दोस्तों 11-12 दो प्रश्न जो देख रहा है ये आपको कल यानी कि वीकली टेस्ट में सेक्शन बी में देखने को मिलेगा। ठीक है, जो कि आपका 4 नंबर दिलाएगा। तो पहला यानी कि 11 नंबर कहता है अस्थायी बंदोबस्त क्या था, तो अस्थायी बंदोबस्त क्या है दोस्तों, आंसर में लिखिएगा यह व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस और उत्तरी कर्नाटक में लागू की गई है। अस्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदारों को भूमि का अस्थायी मालिक बना दिया गया। अस्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदार किसानों से वसूले गए कुल रकम का 10वां भाग यानी कि 10 of 11 जो भाग है कंपनी को देते थे वह एवं जो शेष जो है एक आपका जो भाग है वह स्वयं रखते थे। 10वां भाग किसको देता था, कंपनी को देता था और एक भाग अपने रखता था, इसको अस्थायी बंदोबस्त कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं इस प्रकार से इसका राइट आंसर। चलिए सेक्शन बी का आगे दोस्तों 12 नंबर में आपका प्रश्न देखने को मिलेगा, कहेगा रेत बाड़ी प्रणाली क्या है, तो रेत बाड़ी प्रणाली क्या है दोस्तों लिखिएगा आंसर में, सन 1820 यानी कि 1820 में मद्रास के तत्कालीन गवर्नर टॉम्स मुनरो ने रेत बाड़ी व्यवस्था आरंभ की। क्या क्या रेत बाड़ी व्यवस्था आरंभ किया कब, 1820 में कौन, तो गवर्नर टॉम्स मुनरो ने। ठीक है, यह व्यवस्था मद्रास, बंबई और असम के कुछ भागों में लागू की गई। रेत बाड़ी व्यवस्था के तहत लगभग 51% भूमि आय इसमें रियातों तथा रियातों या किसानों को भूमि का मालिकाना हक प्रदान किया गया था। इस प्रकार से रेतवारी प्रणाली यह है। ठीक है, चलिए इस प्रकार से उत्तर को लिखिएगा। आगे दोस्तों जो 13-14 प्रश्न देख रहा है, ठीक है, ये आपका सेक्शन सी का प्रश्न, ठीक है, सेक्शन सी का रहेगा जो कि लिखा रहेगा कि 3×2 6 नंबर। ठीक है, 6 नंबर का सेक्शन सी रहेगा, तो देख लीजिए 13 और 14 दो प्रश्न, ठीक है, जो कि 6 नंबर दिलाएगा। 13 नंबर दोस्तों सेक्शन सी में पूछेगा, कहेगा जमींदारों ने अपने जमींदारों पर नियंत्रण कैसे बनाए रखा। ठीक है, तो उत्तर में लिखिए जमींदार पर अपना नियंत्रण जो बनाए रखने के लिए फर्जी बिक्री का सहारा लेते थे। ठीक है, फर्जी बिक्री के कारण जमींदार को बार बार बेचना पड़ता था, बार बार बोली लगाने से सरकार तथा बोली लगाने वाले दोनों ही थक जाते थे तथा कोई भी बोली लगता तो सरकार का वह जमींदारी पुराने जमींदारों को ही कम कीमत पर बेचनी पड़ती थी। तो इस प्रकार से जमींदार ने अपने जमींदार पर नियंत्रण बनाए रखा था, क्योंकि जमींदार ने ही जमींदारी पर अपना नियंत्रण रखा और बार बार फर्जी बिक्री करा था। ठीक है, असली बिक्री नहीं, फर्जी वाला। ठीक है, तो इस प्रकार से 13 का राइट आंसर लिख लीजिएगा। 14 नंबर दोस्तों बढ़ते हैं सेक्शन सी का लास्ट प्रश्न, कहता है पांचवी रिपोर्ट क्या है। ठीक है, आंसर में लिखिएगा जो पांचवी रिपोर्ट है जो कि एक ऐसी रिपोर्ट है जो एक प्रवार, ठीक है, सीमित द्वारा तैयार की गई है। यह रिपोर्ट भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के स्वरूप पर ब्रिटिश संसद में गंभीर वाद विवाद का आधार बनी है। तो ये आपका पांचवी रिपोर्ट है। और जो सेक्शन डी का प्रश्न दोस्तों, दो प्रश्न और बच गया, तो दो प्रश्न का दोस्तों हम आंसर नहीं बनाए थे। अगर आपको इसका आंसर चाहिए नीचे कमेंट कीजिएगा दोस्तों, तो मैं आपको जो है भेज दूंगा, या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, 15-16 का आंसर मैं आपको सेंड कर दूंगा। तो आज की इस वीडियो को यहीं रखते हैं दोस्तों, वीडियो में मजा आया तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, 40 में 40 आप पक्का करके आइए। ठीक है।